सरेंडर ही किया है सर वो। ठीक है, 61-20 में उसने सरेंडर किया सर। आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड एक्यूज था वो सर, बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चली सर। गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहाँ से आपको कॉल अपॉन किया, तो एक दो डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे सर? करेंगे ना। तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है, एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, और आप उसके मेल जोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर सर? इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द केस और टू कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स, टू ट्रेन योर सबऑर्डिनेट्स, हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। नेम्ड एक्यूज्ड था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज्ड को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए, प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट हैं? नहीं सर, प्रमोट प्रमोट होकर बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए, ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया, और आप, आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड एक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया? मीन आई हैव टू रिकॉर्ड वेरी स्ट्रिक्टली समथिंग विच यू मे नॉट लाइक। हजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफाल्केशन। हाँ वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर दिया। जितने आईओज हैं जो कंसर्न एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, अप टू एसपी, सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए वो ईओयू से, क्योंकि और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस था जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे। सुन लेते हैं आप, एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे जल्दीबाजी में, आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस, जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है हुजूर, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया, और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया, वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। ये एफआईआर नंबर है 164/22 डेटेड 20/4/22।
पीएस बसंतपुर, जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे तो द कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट, ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 156(3) इन कंप्लेंट केस नंबर 11962021 एंड देन आउट ऑफ दैट दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा। He was supposed to, it will show that he is deliberately suppressing the facts before this honorable court. And this is happening everywhere in the Bihar. This is a clear political, police and criminal nexus. How do you say it is political? Political है हुजूर, इनको इसमें एक मिनट इनको बोलने दीजिए ना, आप पुट्ठे में इसमें वहाँ के लोकल विधायक से लेकर सबका इन्वॉल्वमेंट है और ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं, इनका भी ये मुखिया है तो जन रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे खुद भी हो गए, तो पॉलिटिकल तो ये खुद भी हो गए, इनकी मदर ही मुखिया रह चुकी हैं, इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। इनका एक्यूज्ड का, एक्यूज्ड का आई एम कॉन्स्टेंट टू से ऑल दिस थिंग्स। जिस तरह का केसेज आ रहा है उसमें सिवाय इसके और कुछ समझ में नहीं आती बात, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सारे केसेस रीओपन करने होंगे आपको, सारे केसेस रीओपन करने होंगे, ये पब्लिक मनी है, इसका अगर घोटाला हो रहा है इसमें हो सकता है ये सर्किल ऑफिसर ने जो केस फाइल किया उसके पहले वाले जो सर्किल ऑफिसर होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं से ये पैसा जमा करा करके और ये कोशिश किया गया कि साहब चलिए इस केस को क्लोज करा दीजिए। आज हम ऑर्डर लिखा रहे हैं, अभी इसको हम फिर इस मैटर को रखेंगे इन द नेक्स्ट वीक। आप जरा सारे केसेस का जितने चीजें डिस्कस हुई सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सो दैट आई कैन टेक ए कंप्लीट व्यू ऑफ द मैटर इन पुलिस कस्टडी फॉर इंट्रोगेशन। यही करना है ना आपका सर? नेक्स्ट अनदर केस में लॉट, अभी रुकिए ना, अभी हम ऑर्डर लिखाते हैं तो समझते हैं ना, बताना चाहिए। ऑर्डर लिखाते समय हम कंजूसी नहीं करते ठीक है, इसलिए कि मैं वो कहीं भी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं मालूम हो कि साहब कुछ, और आपको भी ये नहीं बोलने का मौका मिले कॉफी टेबल पर कि देखिए ना ये केस पे इस पॉइंट को बस किए थे, हम लोग कोर्ट के बाहर याद नहीं, जज साहब जो है छोड़ दिए, इस पॉइंट को नहीं डील कर सकते थे कोर्ट के बाद, हम सब याद नहीं रखते। आप क्या रखते नहीं रखते, आपका मतलब आपसे नहीं है। नहीं, हम लोग कैसे वकील को, वकील चर्चा करते हैं ना जजमेंट पढ़ने के बाद, हाँ चर्चा होता है, करते हैं कि नहीं, कि देखिए ये पॉइंट बस किए थे लेकिन छोड़ दिए जज साहब, इसका आंसर नहीं मिला तो छोड़ दिए इस पॉइंट को। आई ऑलवेज कीप दैट इन माय माइंड, इसलिए आई नेवर लीव एनी ग्राउंड व्हिच यू हैव आर्गुड और हियर अराउंड। यस, क्या लिखा है? व्हेन दिस क्वेश्चन वाज पुट टू द एसपी सिवान एज टू वेदर इट टाइम वर पुलिस को छोड़ दिया, क्या बात आप करते हैं। आई एम सेकंड थिंग माय लॉर्ड, आई एम सीरियस अबाउट इट, आप इसको कैजुअली बोल रहे हैं। एस पी सिवान शैल बी प्रेजेंट ऑन दैट डे। माय लॉर्ड, सेकंड थिंग माय लॉर्ड, माय हम्बल सबमिशन दैट माय लॉर्ड हैज गिवन, माय लॉर्ड ही हैज फाइल्ड ए पिटीशन बिफोर द लर्नेड कोर्ट बिलो माय लॉर्ड फॉर टेकिंग द रिमांड ऑन 336 माय लॉर्ड ऑफ 2020 माय लॉर्ड। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, आई हैव ओनली रिकॉर्डेड दैट इन 164 ही हैज नॉट सॉट रिमांड, इन 61 ही हैज नॉट सॉट रिमांड। And 164 तो मतलब prior to him मतलब he has I don't know one, देखिए him का मतलब मैं इनको कोई personally तो कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ, उस personally बोला क्या हमने? Superintendent of police has informed। Sorry। आप लोग इतना attached क्यों हो जाते हैं? I am not going to record a finding that he has done it. Yes, one thing he has done, case diary mein jo paragraph change kiya hai.
About that, I have not taken any view till now. I have recorded. ठीक है, जिसने जो कर्म किया होगा वो ये तो गुड फेथ देखेगा वो तो, ये पेजिंग माय गुड फेथ छोड़िए ना उसको, बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर अभी देखिए।